हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने देखा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, फिर हमने देखा था कि कंबशन क्या होता है, कंबशन की डेफिनेशन देखी थी, हमने देखा था कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है उनको फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद हमने देखा था कि जो नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं कंबशन के लिए वो पढ़ी थी हमने, और नेसेसरी कंडीशंस तीन थी मेनली। कौन कौन सी कंडीशंस थी वो हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, सबसे पहली जो कंडीशंस थी कंबशन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा था अवेलेबिलिटी ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। और तीसरी मेन कंडीशन थी इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर था, वो मिनिमम टेम्परेचर था, लोवेस्ट टेम्परेचर था जिस पर हमें जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस को हीट करना पड़ता है बर्न करने से पहले। ठीक है, तो ये तीनों मेन कंडीशन थी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो चाहे हमारा सब्सटेंस कंबस्टिबल भी हो तो वो बर्न नहीं करेगा, कंबशन शो नहीं करेगा। तो हमने वहां पर फायर ट्रायंगल देखी थी, फायर ट्रायंगल में क्या था, फ्यूल भी था, फ्यूल ऑक्सीजन और हीट मिलकर ट्रायंगल बनाने, मींस क्या है, ये तीनों क्या शो करते हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, यानी कि फ्यूल भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर से हीट भी मिलनी चाहिए, तभी जाके हमें वहां पर फायर मिलेगी, कंबशन होगा। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। कई बार क्या होता है फॉरेस्ट में या फिर हाउसेस में या फिर कई फैक्ट्रियों में क्या है, एक्सीडेंटली आग लग जाती है। ठीक है, तो वो आग जो है इतनी भयानक हो जाती है, अगर आसपास किसी को पता ही ना हो कि कैसे इसको कंट्रोल करना है तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देती है। ठीक है, तो हमें जब भी आग सामने लगी दिखती है तो हम क्या करते हैं, एकदम से या तो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं या फिर खुद से कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम खुद से अगर ट्राई करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या हमें वहां पर केयर लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको हाउ टू बी कंट्रोल फायर, इस टॉपिक को फायर ट्रायंगल से ही स्टार्ट करेंगे। फायर ट्रायंगल में हमने कल देखा था कि हमारे पास फायर ट्रायंगल क्या शो करता है, ये शो करता है मेन थ्री कंडीशंस फॉर द कंबशन, कौन कौन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड हीट जो हमें इग्निशन टेम्परेचर से मिलती है, देन फायर वहां से, इन तीनों के मिलने से वहां में फायर क्रिएट होती है यानी कि कंबशन होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फायर ट्रायंगल। हम अगर इनमें से एक भी चीज प्रेजेंट ना हो, लाइक अगर हमारे पास फ्यूल अवेलेबल ना हो, ठीक है, फ्यूल अवेलेबल ना होने से ये ट्रायंगल डिस्टर्ब होगी हमसे, अगर ये ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंबशन नहीं होगा, फायर नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, फ्यूल तो प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एयर नहीं है, तो यहां से क्या होगा, ये भी कनेक्शन कट हो जाएगा, इनकी ट्रायंगल तब भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगर ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाती है तो वहां पर हमें कंबशन नहीं मिलेगा। ऐसे अगर हमारे पास फ्यूल भी है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर तक हम उसको कंबशनल सिस्टम को नहीं पहुंचा पाए, यानी कि हीट नहीं दे पाए बर्न करने से पहले, तो भी हमें कंबशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर इन तीनों मेन कंडीशंस में से हम कोई भी एक जो है हटा देते हैं, वो फुलफिल ना करें, तो हम जो है वहां पर फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम फ्यूल अगर वहां से हटा दें, या फिर हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खत्म कर दें वहां से, या फिर हम जो है उसका टेम्परेचर जो है लो कर देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर से भी कम कर देते हैं, तब क्या होगा, वहां पर कंबशन नहीं होगा, हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, अब हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर्स का। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे किसमें, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्यूशर आर हेल्पर इन एक्सटिंग्यूशिंग फायर, यानी कि आग को पुट ऑफ करने में, बुझाने में जो है जो हेल्प करते हैं उनको फायर एक्सटिंग्यूशर कहा जाता है। जब भी कहीं आग लगी होती है तो उसको बुझाने के लिए हमारे दिमाग में एकदम से क्या आइडिया आता है कि हम उस पर पानी डाल देते हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि पानी हमारे आसपास अवेलेबल होता है, हम इजीली से उसको अवेलेबल कर सकते हैं और आग को बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर जो होता है वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि जो पानी होता है वो सबसे बढ़िया, चीपेस्ट मीन्स सस्ता एंड ओल्डेस्ट मीन्स पुराना फायर एक्सटिंग्यूशर है, आग बुझाने वाला तत्व है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वाटर है, वाटर डालने से जो
जो टेम्परेचर होता है जो कंबस्टिबल मटेरियल उसका टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाता है तो भी क्या होता है, अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम आ गया टेम्परेचर तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ से जैसे ट्रायंगल डिस्टर्ब हुई इसका मतलब वहां से आग बुझ सकती है। दूसरा क्या है, कह रहा है कि also water vapor stops the supply of the oxygen or air by covering the surface of fire, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम आग में पानी डालते हैं, ठीक है, आग बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर लगी हुई है और हम पानी डालते हैं तो वो पानी क्या करेगा, हीट होना स्टार्ट होगा और वो वेपराइज होगा, ठीक है। तो वाटर के जो वेपराइज होंगे, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, तो जो वाटर के वेपर्स होंगे वो वेपर्स उस जो फायर है उसको कवर कर लेंगे और उसको एनवायरमेंट से कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे जो है जो एयर की अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, अगर एयर की अवेलेबिलिटी खत्म होगी मीन्स ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी खत्म हुई तो यहाँ से एक ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाएगी तो फायर वहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, आपको बुझा सकते हैं, यानी कि पानी क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, वाटर वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो क्या कर सकता है, टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर सकता है कंबस्टिबल मटेरियल के। दूसरा, जो वाटर वेपर्स है वो क्या करेंगे, कवर कर लेंगे जो फायर को और स्टॉप कर देंगे सप्लाई ऑफ द एयर को, ठीक है। ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं रीजंस की वजह से फायर कैन बी पुट ऑफ इजिली, तो फायर को इजिली जो है बुझ सकती है अगर हम वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। बट वॉटर हैज सम डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स टू बी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन वॉटर की भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती ही है। ड्रॉबैक्स ऑफ वॉटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, अब वॉटर को हमने देखा था कि हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो सबसे बेस्ट भी है, चीपेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देखते हैं कौन कौन सी ड्रॉबैक्स हैं। व्हेन फायर इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल, ठीक है, जब फायर कहीं भी किसी फैक्ट्री में हाउस में लगी हो और वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से हो या फैक्ट्रियों में ऑयल की वजह से हो, तब जो वाटर है इज नॉट सुटेबल टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है, तब जो है हम वाटर का यूज नहीं कर सकते एक्सटिंग्विशर के रूप में। कब कब, जब भी फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मीन्स जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की वजह से जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं उनकी वजह से अगर फायर लगी हो या फिर ऑयल की वजह से फायर लगी हो, तब तब हम वाटर को सुटेबल नहीं मानते फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, क्यों, बिकॉज उसके रीजन हम नीचे देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, गुड कंडक्टर यानी कि वो सपोर्टर है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो और भी ज्यादा फायर वहां पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड कैन हार्म द पर्सन हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर, और उन पर्सन को हार्म कर सकता है जो फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हो तो हमें पानी से उसको बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमने क्या बोला कि ऑयल जब होता है, ऑयल की वजह से आग लगी हो तब भी हम वाटर को यूज नहीं कर सकते फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, क्यों, बिकॉज वॉटर इज हैवी देन ऑयल, ठीक है, वॉटर जो है ऑयल से हैवी है। So, oil comes on the top of the surface. Oil जो है surface पे आ जाएगा and keeps on burning और जलता रहेगा और आग को बढ़ती रहेगी, ठीक है। जैसे heavy का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे हमने एक beaker में क्या लिया, पानी लिया है, सॉरी हमने बीकर में ऑयल लिया, ठीक है, और ऑयल में हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डालने के बाद में ऑयल क्या करेगा, नीचे से ऊपर वाले सरफेस पर आ जाएगा और वाटर जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि वाटर इज हैवी, वाटर हैवी है तो वो नीचे चला गया और ऑयल जो है वो हल्का है तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर इज हैवी देन ऑयल, सो ऑयल कम्स ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस पे आ जाएगा एंड कीप्स ऑन बर्निंग और जलता रहेगा, ठीक है। तो वो जो वाटर है ऑयल से लगी आग को बुझाने में काम नहीं आता, ठीक है। सो वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर इन दीज केसेस, वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर इन दीज केसेस, गुड फायर एक्सटिंग्विशर इन दीज केसेस। सो वॉटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर और गुड फायर एक्सटिंग्विशर इन दीज केसेस।
ठीक है, यानी कि जब जब भी आग किसकी वजह से लगी हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से लगी हो या फिर ऑयल की वजह से लगी हो, तब हम मोटर को यूज नहीं करेंगे। और अगर हमारे सामने कोई यूज कर रहा है मोटर को उस टाइम पे, तो हम यूज नहीं करने देंगे। ठीक है, अब तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल की वजह से आग लगी हो, तो हम उस आग पर कैसे काबू करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, इन दिस केसेस, इन केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल की वजह से आग लगी हो, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। CO2 कैसे काम करती है, CO2 does not support combustion, CO2 जो है वो combustion को support नहीं करती है। हमने क्या देखा था, supporter of combustion में oxygen क्या थी, supporter थी combustion का, लेकिन CO2 क्या है, वो supporter नहीं है combustion का। ठीक है, इसीलिए CO2 क्या करेगी, आग को बुझाने में काम करेगी। दूसरा क्या कह रहा है, also CO2 is heavier than air, जो CO2 है वो heavy होती है air से, and covers the combustible material due to which supply of air or oxygen get cut off। ठीक है, और क्योंकि CO2 हैवी होती है इसके कंपैरिजन में एयर में, तो एयर ऊपर चली जाएगी, CO2 नीचे आ जाएगी, तो जो एयर की सप्लाई है वो उसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो CO2 जो है वो कट ऑफ कर देती है एयर की सप्लाई को, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल की वजह से लगी हो, तो हमें मोटर का यूज नहीं करना है, हमें किसका यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का वहां पर यूज करना है। वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अब हमें वर्किंग देखनी है फायर एक्सटिंग्विशर की, कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ द वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब तक हमने क्या देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के तरीके से हम यूज करते हैं, किसको, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है इज यूजुअली गैस, वो एक गैस होती है। ठीक है, अब गैस क्या होती है, ज्यादा स्पेस लेती है, ज्यादा वॉल्यूम लेती है, तो हम उसको क्या करते हैं, गैस को हम जो है किसी भी कंटेनर में नहीं भर सकते। गैस को कंटेनर में भरे रखने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि वो कम स्पेस ले, हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर CO2 गैस गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एंड इज स्टोर्ड इन अ सिलेंडर, उसको एक सिलेंडर में भर देते हैं। ठीक है, और जब वो सिलेंडर होता है उसके आगे नोजल लगी होती है। ठीक है, जब भी हम उस नोजल को ओपन करते हैं, तो वो क्या है, जो गैस जो लिक्विड फॉर्म में था CO2, वो क्या है, बाहर आना स्टार्ट हो जाता है सिलेंडर से। क्यों, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इट एक्सपेंड, वो एक्सपेंड होता है एंड कवर्स द कंबसिबल मटीरियल, और जो कंबसिबल मटीरियल है जिसकी वजह से फायर लगी हुई है, फ्यूल है, उसको जो है कवर कर लेता है और पुट्स ऑफ द फायर, और फायर को बुझा देता है। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार से देखते हैं वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के स्टेप्स क्या क्या है। CO2 को हमने क्या बताया कि उसको यूज किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 क्या है, गैस है। जब भी हम प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं CO2 पे, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हम उसको एक सिलेंडर में भर देते हैं। ठीक है, सिलेंडर के आगे क्या है, एक नोजल लगी होती है। जब भी हम उस नोजल को ओपन करते हैं, हाई प्रेशर की वजह से CO2 गैस बाहर निकलती है और वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद वो क्या करती है, कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है जिसकी वजह से फायर लगी हुई है, उसको वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है और वहां पर क्या होता है, वो आग को बुझा लेती है, पुट्स ऑफ द फायर। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब हमारे पास और भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से। अनदर फायर एक्सटिंग्विशर्स, अनदर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों भी क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करते हैं, मेनली इन केसेस वेयर फायर इज ड्यू टू ऑयल। जहां पर फायर जो है ऑयल की वजह से होती है, वहां पर मेनली काम आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, जब भी हम इनको, जब आग लगी होती है और हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट को वहां पर स्प्रे करते हैं,
तब वो हीट हो जाते हैं और हीट होने के बाद वो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक फायर एक्सटिंग्विशर होती है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट आर आल्सो यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर मेनली इन केसेस वेयर फायर इज ड्यू टू ऑयल। ऑन हीटिंग दिस बोथ गिव्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं which is a main fire extinguisher, जो क्या है एक main fire extinguisher है, ठीक है। fire extinguisher का हमारा topic complete हो जाता है। अब हम next topic start करते हैं, topic का नाम है types of combustion। हमने combustion देख लिया था, अब हम देखते हैं combustion कितने प्रकार का होता है, ठीक है। combustion mainly तीन प्रकार का होता है, combustion is of three types, तीन type का होता है। कौन कौन से हैं तीन type को? First type is a rapid combustion, सेकेंड टाइप इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसको हम सेल्फ कंबशन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अ एक्सप्लोजन, ठीक है। कंबशन कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं कंबशन के? रैपिड कंबशन, सेकेंड इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसको हम सेल्फ कंबशन भी बोलते हैं एंड थर्ड वन इज द एक्सप्लोजन। अब हम देखते हैं एक एक करके कि ये तीनों कंबशन है क्या और कैसे इनको डिफाइन करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन में हमने देखा कि हमारे कंबशन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कंबशन हमने बताया था कि रैपिड कंबशन होता है। दूसरा कंबशन हमने बताया था स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जिसको हमने सेल्फ कंबशन भी कहा था। तीसरा कंबशन हमने कौन सा बताया था? एक्सप्लोजन, ठीक है। अब हम उन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले रैपिड कंबशन को देखते हैं। रैपिड कंबशन क्या होता है? देखो नाम से देखो, रैपिड का मतलब तेज। कंबशन हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। कंबशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, कौन सा कंबशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है कैसे बर्न करेगा? रैपिडली, तेजी से। एंड प्रोड्यूसेस और प्रोड्यूस करेगा हीट एंड फ्लेम। हीट और फ्लेम जो है प्रोड्यूस करेगा, उस कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन, ठीक है। हीट क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा, जब हमें हीट फील होगी, ठीक है। और फ्लेम जो है इसके बारे में, ये एक प्रकार की लाइट होती है, ठीक है, हमें दिखती है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड मतलब जो तेजी से हो एकदम से, ठीक है। तो कंबशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, तेजी से, एंड प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस करे क्या? हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस करे, इज नोन एज रैपिड कंबशन। एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं एलपीजी की। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को कुकिंग गैस भी कहा जाता है, हमारे घरों में यूज होती है। तो एलपीजी क्या है? एक रैपिड कंबशन शो करती है, ठीक है। जो एलपीजी को फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखो अरे बच्चे समझ जाएंगे ना, कर देंगे वो तो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी जो है वो कुकिंग गैस होती है जो हमारे घरों में यूज होती है। अब इसको हमने रैपिड कंबशन क्यों बोले हैं? इसमें हमने जस्ट क्या किया है, लाइटर लिया और हमारी गैस को ऑन किया और वो एकदम से ऑन हो जाती है रैपिडली, ठीक है। पेट्रोल है वो भी एकदम से बर्न, जैसे ही हम मैच स्टिक लगाते हैं पेट्रोल के पास, ठीक है, तो एकदम से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? रैपिड कंबशन देते हैं, ठीक है। और वहां पे हमें हीट भी मिलती है और फ्लेम भी मिलती है, ठीक है। तो रैपिड कंबशन क्या होता है? कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड फ्लेम इज नोन एज रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को कुकिंग गैस भी कहा जाता है जो हमारे घरों में यूज होती है, एंड पेट्रोल एटसेट्रा। सेकेंड कंबशन स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? एकदम से अपने आप होना, ठीक है। जो चीज अपने आप एकदम से होती है उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस सडनली स्टार्ट्स बर्निंग इनटू अ फ्लेम विदाउट हीटिंग
The combustion is known as spontaneous combustion. ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब कभी कोई सब्सटेंस अचानक से सडनली मतलब अचानक बर्न करना स्टार्ट करता है इनटू अ फ्लेम, एक फ्लेम में यहां पर हमें क्या मिलती है, फ्लेम मिलती है, हीट नहीं मिल पाती. ठीक है, विदाउट हीटिंग मतलब हमें एक्सटर्नल हीटिंग देने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें कुकिंग गैस में बर्न करने के लिए हमें लाइटर की या मैचस्टिक की जरूरत पड़ रही थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कंबशन शो करता है, हीटिंग शो करता है, वहां पे फ्लेम हमें मिलती है. ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज अ सेल्फ कंबशन. ठीक, हम दोबारा देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है. व्हेन अ सब्सटेंस सडनली, सडनली मतलब अचानक से स्टार्ट्स बर्निंग इनटू अ फ्लेम, एक फ्लेम में बर्न करना स्टार्ट करता है विदाउट हीटिंग, बिना हीटिंग के हमें एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती, जैसे कुकिंग गैस में हमने मैचस्टिक या फिर लाइटर का यूज किया था, हमें वहां यूज नहीं करना पड़ता, वो अचानक से बर्न करना स्टार्ट करता है, तो ऐसे कंबशन को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कंबशन, इसको सेल्फ कंबशन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ कंबशन कहा जाता है. एग्जाम्पल के लिए, फायर ऑफन ब्रेक्स आउट सडनली इन फॉरेस्ट, कई बार जंगलों में अचानक आग लग जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू सन, सन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तब वहां पर अचानक से आग लग जाती है सडनली. ठीक है, तो उस सडनली फायर जो वहां पर लगी है उस कंबशन को क्या बोलते हैं, हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलेंगे, और वो सेल्फ कंबशन है. ठीक, नेक्स्ट इज द एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या है, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, तब हम उस कंबशन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन. क्या क्या दोबारा देखते हैं, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस, जब कंबशन होता है बाय सडन प्रोडक्शन, और क्या क्या प्रोड्यूस होगा वहां पर, एकदम से हीट भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी वहां पर निकलेगी. ठीक है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, पटाखे जब हम जलाते हैं तो वहां पर क्या क्या है, हमारे पास हीट भी निकल रही है, गैस भी निकल रही है, और साउंड भी निकल रही है. जब ये तीनों चीजें एक साथ से निकल रही हो किसी कंबशन में, तब हम उसको बोलते हैं क्या, एक्सप्लोजन. दूसरा एग्जाम्पल बॉम्ब्स, जब बॉम्ब फटते हैं तो वहां पे भी हीट भी निकलती है, साउंड भी निकलती है, एंड साथ में वहां पर गैसेस भी निकलती है, तो ऐसे एक्सप्लोजन को, कंबशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन. तो एक्सप्लोजन क्या होता है, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. एग्जाम्पल्स के लिए फायर क्रैकर्स एंड बॉम्ब्स हमने एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, तो जो तीनों कंबशन हमने पढ़े, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो रैपिड कंबशन है वो तो रैपिडली तेजी से होता है, और दूसरा वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है और फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो अपने आप होता है सडनली, और वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और जो एक्सप्लोजन होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जब हमें तीनों चीजें एक साथ मिल रही है किसी कंबशन में, हीट, साउंड एंड गैस, तब हम उस कंबशन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं. तो ऑल दीज टाइप्स आर ऑफ कंबशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबशन कौन कौन से, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसको सेल्फ कंबशन बोलते हैं, एक्सप्लोजन, आप इनको देख लेना एक बार अच्छे से. ठीक है, और जो भी कोई प्रॉब्लम लगे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके डाउट्स को सोल्व करने की जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, और आप स्ट्रिक्टली इन और सीरियस होकर इन वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को देखिए, और अपना सिलेबस कवर करते रहिए. थैंक यू.